नमस्कार, मैं हूं राज पांडे। आप देख रहे हैं सीएन न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अमृतसर पुलिस ने अलग अलग केस में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। पकड़े गए युवक ज्यादातर महिलाओं को अपना शिकार बनाते थे और मोबाइल पर्स छीन कर फरार हो जाते थे। पकड़े गए युवकों से एक एक्टिवा और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आला अधिकारियों की माने तो गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी के दौरान चारों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जी असी सीनियर अफसर दिया योग अगवाई हेठ उन्होंने दिशा निर्देशों तहत जी थाना सिविल वालों जोड़े आ चार मुकदमे लुटा खोह के जोड़े हल किए गए जिन्हों में पहला मुकदमा 99 आ 379 बी का सन्नी वर्मा के जरा शिकायत दर्ज हो मुकदमा तीन व्यक्ति उन्होंने मोबाइल खोया से जिद दोषी पहल गिरफ़्तार किए हैं तो तीजे दोषी जोड़ा ए एस सी शमशेर सिंह चार चौकी सरगटो ने गिरफ़्तार किया जिंदा नाँ अरुण कुमार गिनी है जासी रोड का रहने वाला इनू कल दो तीन गिरफ़्तार किया मुकदमे तिने दोषी जोड़े गिरफ़्तार हो गए हैं। दूसरा मुकदमा 342 नंबर है जिद भी 379 बी का दर्ज होया एक लड़की को रेलवे स्टेशन से पौड़ियाँ वाले पुल को मोबाइल खोया जिद दोषी निखल तो सन्नी मट्टू पहला गिरफ़्तार हो चुके हैं तो तीजा दोषी गिनी गिरफ़्तार होने वाला बाकी से इनू गिरफ़्तार किया। एक 90 नंबर मुकदमा वा 379 बी का यह डॉक्टर मानसी से EMC हस्पताल नौकरी करती वो राणिका बाग लगों दो लड़कों ने मोबाइल खोया जिन्होंने भी एस सी शमशेर सिंह ने गिरफ़्तार किया वा इन्हें एक जॉन पीटर आ एक राजवीर सिंह राजू आ फैजपुर एरिए रहने वाले ने इन्हों गिरफ़्तार किया। इन्हों को जी वारदात वरती गई एक्टवा तो वही जो मोबाइल खोया से वो भी बरामद किया। चौथा मुकदमा 307 नंबर आ यह आनंद एवन्यू चोरी हुई एक घर में संजीव अरोड़ा के 1,00,000 रुपया तो मोबाइल चोरी होया इस जो मुख्य दोषी है एको दोषी है अवतार सिंह तारी उन्हें गिरफ़्तार किया जो बाद चोरी है मोटरसाइकिल जोड़ा वा मोबाइल जोड़ा बरामद कर लिया वा बाकी जो पैसे वो बरे अं रिमांड से रिकवरी कर रहे हैं। टोटल चार दोषी ने जी दो एक मुकदमे दो वक्र वक्रे हाँ जी पैसे की बरामदगी